हनुमान देवी मंदिर के सामने प्रशासन का एक्शन, क्यों तोड़ गई हैं प्रसाद की 26 दुकानें, अयोध्या के विकास के लिए क्या है मास्टर प्लान, कार्तिक पूर्णिमा स्नान की पूर्व संध्या पर हनुमानगढ़ी के सामने का गोल मार्केट बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। यह प्राचीन मार्केट मंदिर के मुख्य द्वार के सामने था, जिसमें प्रसाद की 20 से ज्यादा दुकानें थी। ये मार्केट भक्ति पथ के चौड़ीकरण के जद में आ रहा था। हनुमानगढ़ी तिराहे से लेकर राम जन्मभूमि तक इस मार्ग का निर्माण 6 महीने के अंदर पूरा करना है और इस मार्ग का नाम होगा भक्ति मार्ग। हनुमानगढ़ी की प्राचीन गोल मार्केट के 26 दुकानदारों में से 19 को टेढ़ी बाजार मार्केट में दुकानों के आवंटन का पत्र दिया जा चुका है। जी हाँ, 31 अक्टूबर को जिला प्रशासन ने भक्ति पथ में आने वाली दुकानों को ध्वस्त कर दिया था। इसके बाद हनुमानगढ़ी के सामने स्थित गोलाई मार्केट के दुकानदारों ने पंचकोसी परिक्रमा तक का समय मांगा था। सुनिए कि इस पूरे मामले में जिले के SDM का क्या कहना है। श्रृंगार घाट से राम जन्मभूमि मार्ग में जो 349 दुकानें जो प्रभावित हुई थी, वो चौड़ीकड़ में उसी के क्रम में आज जो है जो गुलाई की 26 दुकानें हैं उनको आज हटाया गया है और इन गुलाई की दुकानों को इनका मुआवजा इनके खाते में भेजा जा चुका था। इनके द्वारा पुनर्स्थापन के उपरांत जो कॉस्टलेस कुंज और टेढ़ी बाजार में जो दुकानें बन रही हैं उनके लिए आवेदन किया गया था। उसमें हमारी समिति जो जिलाधिकारी महोदय ने गठित की थी उसमें इनको पात्र पाते हुए जो पात्र लोग थे उनको कल रात में आकर यहाँ पे उनको आवंटन पत्र दिया गया। आवंटन पत्र में सचिव विकास प्राधिकरण की ओर से उन्हें एक लेटर जारी किया गया है कि जैसी दुकानें बन जाएंगी उनको आवंटन की कार्रवाई प्राथमिकता पर की जाएगी। इसी के आधार पर कल हमारी सहमति बनी। आज समय लगभग 12 बजे तय हुआ था, उससे पहले ही समस्त दुकानदारों ने बहुत सहयोग किया और अपना जो भी सामान था, अपना मीटर, अपना जो उनका शेड या जो उनका कांच का सामान था, उन्होंने पहले ही हटा लिया था। इसलिए हमें आज अपनी कार्रवाई करने में आसानी मिली और आज अभी लगभग 3 बजे तक हम ये अपनी जो गुलाई की 26 दुकानें हैं इसे हटा दिए हैं। प्रशासन जब बुलडोजर लेकर दुकानों को तोड़ने पहुंचा तो तय समय के बाद ही गुलाई मार्केट के दुकानदारों ने अपनी दुकानें खाली कर दी थी, यानी कि वहां से अपना तमाम सामान हटा लिया था, शटर बंद कर दिए थे। इसके बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। SDM प्रशासन अमित सिंह ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करवाई। दुकानें गिराए जाने के बाद अब सड़क चौड़ी हो गई है। इससे पहले दशरथ महल तिराहे से हनुमानगढ़ी की ओर भक्तों का आवागमन रोक दिया गया था। इस खबर में फिलहाल सिर्फ इतना ही। ऐसी और भी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।